हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स। आज अपन कुछ ऐसे टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कुछ ऐसा चीज आपको बताने वाला हूँ जो आपको कहीं दिखेगी नहीं अपने रूप में। जो आपको अगर दिखेगी भी तो वो एक ऐसी जगह मिलेगी जहां आप उसको देखना पसंद नहीं करते, यानी कि जो आपकी बुक के पीछे जो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल होता है उसके बाद और चैप्टर एंड होने से पहले जो बीच का पार्ट होता है उसमें आपको ये मिलेगा। हमें देखा, हमें लगा कि आपको कराना जरूरी है। अच्छी टॉपिक भी अच्छा है, समझने वाला भी है और आपको भी सही तरीके से समझ में आना चाहिए ताकि आप जब फ्यूचर में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में आए तब किसी तरीके कोई दिक्कत या परेशानी आप लोगों को ना हो। ठीक है, तो चलिए समय व्यर्थ नहीं करेंगे, जल्दी से हमेशा की तरह शुरू करेंगे। डिफरेंट शेप ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व, फ्रीक्वेंसी कर्व के अलग अलग शेप्स। देखो, फ्रीक्वेंसी कर्व को बता दिया हमने कि भाई नॉर्मली पॉइंट्स प्लॉट करना विथ फ्री हैंड्स उसको हम फ्रीक्वेंसी कर्व कहते हैं। ठीक है ना, तो उसके अलग अलग शेप होते हैं और हर शेप आप शेप देख के बता सकते हैं कि कैसा है। हर शेप देख के देखो, स्टॉक मार्केट में या कहीं भी आप देखोगे ना तो वहां ये दिखता है कि किस फ्लो में आपका शेयर जा रहा है और उस फ्लो के हिसाब से ही काफी लोग परचेजिंग पैटर्न को समझते हैं, सेलिंग पैटर्न को या शेयर की प्राइसिंग को समझ के आगे ट्रेडिंग करते हैं। तो उस जगह से लेकर हमारी 11th क्लास तक पूरी दुनिया घूमकर भी ये टॉपिक बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि शेप क्या कहते हैं। पहला, नॉर्मल और सिमेट्रिक कर्व। एक ऐसा कर्व जो कि नॉर्मल हो या सिमेट्रिक हो। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, एक ऐसा कर्व या एक ऐसी डिजाइन जिसको अगर बीच में से काट दिया जाए तो दोनों तरफ बिल्कुल सेम पैटर्न आ जाता है, उसको हम सिमेट्रिक बोलते हैं। तो यहां पे इन सच कर्व द फ्रीक्वेंसी टेंड्स टू इंक्रीज ग्रेजुअली फॉलोड बाय द टेंडेंसी टू स्टेबलाइज एंड फाइनली द टेंडेंसी टू डिक्लाइन। यानी एक ऐसा कर्व जो जिसकी फ्रीक्वेंसी स्टैंडर्ड पोर्शन पे बढ़ रही है और उसी स्टैंडर्ड पोर्शन पे नीचे गिर रही है। इसका कर्व देखो कुछ इस तरीके से बनेगा, जिस पेस में ये उठी है उसी पेस में उसी तरीके से नीचे डाउन हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं यहां बीच में एक लाइन खींच दूं ना तो ये दोनों पेस क्या हो गए, बिल्कुल बराबर हो गए। तो ये हमारा क्या कहलाता है, एक स्टेबलाइज या एक सिमेट्रिक कर्व, जिसको हम कहते हैं कि भाई पहले बढ़ रहा है एक पॉइंट पे आया और उसके बाद उसी स्टेट से ग्रेजुअली कम होता जाएगा। जैसे कि जब बड़ा एग्जांपल आपको बहुत नॉर्मल सा एग्जांपल बताऊं, इसका एक बहुत प्यारा एग्जांपल अगर आप लेते हो तो इसका एक बहुत प्यारा एग्जांपल है यूट्यूब चैनल्स। कौन से वाले, स्टडीज के यूट्यूब चैनल। इसका कर्व अगर आप पूरे साल का कंप्लीटली देखते हो तो कुछ इसी तरीके से अंदाजन, एग्जैक्ट तो नहीं कह रहा, एग्जैक्ट सिमेट्रिक नहीं होता बट कुछ अंदाजन इसी तरीके से वो सिमेट्रिक होता है कि पहले भाई पूरे साल यहां से नीचे है, फिर जैसे जैसे आपके एग्जाम चालू होने वाले हैं वैसे वैसे हमारा कर्व बढ़ता जाता है, जिस दिन एग्जाम है उस टाइम पे बढ़ता है और फिर धीरे 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 कम होता है। ठीक है, एक हफ्ते उस टाइम का, एक हफ्ते का कर्व को जिसी तरीके से हर यूट्यूबर जो कि ऑनलाइन स्टडीज का काम करवाता है या ऑनलाइन एजुकेशन का काम करवाता है उसका उस वीक का कर्व जो है वो कुछ इसी तरीके से होता है। या हम बात करें एग्जाम से दो दिन पहले का, तो एग्जाम से दो दिन पहले यूं पूरा ऊपर आ जाएगा, पेपर खत्म होने के बाद लोग देखते हैं बाकियों का पेपर क्या हुआ या क्या क्या रिस्पॉन्ड आया वो देखा और फिर धीरे धीरे डाउन। ठीक है, तो ये एक ऐसा है जहां पे एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपके प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज होती है फिर वो डायरेक्टली नीचे गिरती चली जाती है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक या नॉर्मल कर्व। इसके बाद सेकंड टाइप का आपको कर्व आता है पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व। अभी स्क्यूड का मतलब, स्क्यूड सिमेट्रिक इनका मतलब क्या होता है पहले ये ध्यान से समझना। असिमेट्री, असिमेट्री का मतलब नहीं है सिमेट्रिक, और स्क्यूनेस is that feature of statistical distribution which indicates that on both the sides of the highest frequency mark the frequency do not decrease at uniform rate। yani ki is highest frequency mark yahan pe ye apna highest frequency mark hoga, iske is taraf aur is taraf aapka jo frequency curve hai wo uniform rate se na bada tha na kam hua। aage dekho, the rate of decrease on one side is less as compared to other side।
यहाँ पे रेट ऑफ डिक्रीज जो है वो कम है एक साइड में और दूसरे साइड में रेट ऑफ डिक्रीज जो है वो काफी ज्यादा है। ये पॉजिटिवली स्क्यूड इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि स्टार्टिंग में आपकी डिमांड काफी थी और फिर ग्रेजुअली आपकी डिमांड जो थी वो गिरती चली गई। ठीक है, आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, बहुत नया था, बहुत यूनिक था, उसकी डिमांड एकदम से ऊपर गई और फिर आपकी सर्विसेज अच्छी नहीं हुई, या कोई और क्लॉज या कॉम्पिटिशन आ गया, या नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाए, तो आपकी डिमांड जो है वो लगातार गिरती चली। पॉजिटिवली स्क्यूड क्यों? स्टार्टिंग में हाइप है, देन डाउन है, इट इज पॉजिटिवली स्क्यूड। इसके बाद इसका अपोजिट नेगेटिवली स्क्यूड, यानी कि स्टार्टिंग में कम था, यहां इसको मैं थोड़ा और ढंग से बना देता हूं। ठीक है, स्टार्टिंग में हाइप नहीं मिली उस चीज को क्योंकि नहीं मिली किसी भी वजह से, बट देन इंस्टेंट वो हाइप गया और फिर बहुत धीरे धीरे उसकी डिमांड कम हुई, यानी कि चढ़ी बहुत आराम, बहुत धीरे धीरे चढ़ रही थी, बहुत स्लोली, बहुत ग्रेजुअली चल रही है और फिर यहां जाके डाउन हो गई। ठीक है, ये क्या है आपकी नेगेटिवली स्क्यूड, यानी कि जो आपका हाइप वाला काम है उसके बाद एरिया कम है। यहां देखो पॉजिटिव में ये एरिया कम है और ये काफी लंबा तक जा रहा है, पर नेगेटिवली स्क्यूड में स्टार्टिंग में हाइप पहुंचने में आपको समय लगा और यहां एरिया जो है बहुत कम है। ठीक है, समझ में आया, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए यू शेप। यू शेप्ड कर्व का मतलब क्या होता है? हाइप थी, डाउन हुई, देन आपने उसकी हाइप वापस से क्रिएट कर ली, अ स्माइली फेस, दैट इज हाइप डाउन हाइप। एक ग्रेजुअल ब्रेक डाउन आया, उसके बाद आपने वापस से अपने प्रोडक्ट को उठा लिया। बाय मॉडल कर्व। बाय मॉडल कर्व इज अ टाइप ऑफ कर्व जिसमें हाइप आती है, फिर जाती है, फिर आती है, फिर जाती है। दो जगह आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिल रही है, देन उसके बाद आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो गिर रही है, तो दो जगह आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, बाय मींस टू। जे शेप्ड कर्व, अब आई डोंट थिंक कि मुझे जे कर्व आपको समझाने की आवश्यकता पड़नी चाहिए, यानी कि आपके प्रोडक्ट की सेलिंग कम थी और एकदम से कुछ नई ऐसी चीज आप लेके आए कि आपकी सेलिंग, आपकी डिमांड जो है वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो गई, पहले के मुकाबले 10 गुना 20 गुना 50 गुना बढ़ गई, जिसको हम जे कर्व के नाम से जानते हैं। रिवर्स जे कर्व, उल्टा, पहले तो बढ़ी थी एक बार बट फिर डाउन, स्टार्टिंग द लाइफ बर्न ऑफ इट खत्म, दैट इज रिवर्स जे कर्व। मिक्स और मल्टी मॉडल कर्व, जहां पे कोई भी पैटर्न नहीं है, कभी भी बढ़ जाती है, कभी भी कम हो जाती है। आपके नॉर्मल यूट्यूबर्स ले लो या नॉर्मल ऐसा कुछ ले लो, यूट्यूबर्स मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आप लोगों को उस बारे में ज्यादा इंटरेस्ट आता है कि भाई कभी भी बढ़ रही है, कभी भी कम हो रही है, किस दिन बढ़ गई, किस दिन कम हो गई, किस दिन बढ़ गई, किस दिन कम हो गई। ये क्या है आपका मिक्स्ड मॉडल या मल्टी मॉडल कर्व। ठीक है, समझ में आ गया। तो भाई ये कुछ टाइप के आपके डिफरेंट शेप ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व होते हैं। फ्रीक्वेंसी कर्व कुछ एक ऐसा डायग्राम है जो आपको बहुत सारी चीजें बताता है, तो उसको समझना, उसको ध्यान रखना आप लोगों के लिए बड़ा जरूरी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। टिल देन गाइस, कीप ऑन वॉचिंग इकोनॉमिक्स ऑन टिप्स, डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड